चलिए दोस्तों, आज कमाल का ट्रिक जान लेते हैं। तीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कमाल का तीन ट्रिक। अगर आपके मोबाइल में फ्लाइट मोड है, तो मैं आपको तीन कमाल का ट्रिक बताऊंगा। आप फ्लाइट मोड का मतलब यही समझते हैं कि इसको फ्लाइट में डाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल को फ्लाइट में कर सकते हैं, किसी का कॉल वॉल नहीं आ सकता है, ये कर सकते हैं। या फ्लाइट मोड में हम डालते हैं जब भी, जब हम कहीं फ्लाइट वगैरह में जाके यात्रा वगैरह करते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। यानी आप दो ही जानते हैं कि बस फ्लाइट मोड में डालने से क्या, आपको किसी का कोई नेटवर्क वर्क नहीं है हमारे फ़ोन में, चाहे हम फ्लाइट में हैं तो हम इसको फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको तीन कमाल का ट्रिक बताऊंगा जिसको आप जरूर जानना चाहिए, और ये आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। तो तीनों ट्रिक को आप एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। ये तीनों अगर ट्रिक आप यूज़ कर लेंगे तो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है, आपको बहुत सारी इससे बेनिफिट है। चलिए इस ट्रिक को जान लेते हैं और एक एक करके मैं तीनों ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट मोड में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि हमारा कभी कभी ब्लूटूथ जैसे हम ऑन करते हैं तो हमारा ऑन नहीं होता है, कभी कभी हमारा वाईफाई जब हम ऑन करते हैं तो हमारा वाईफाई भी ऑन नहीं होता है। यानी हमारा कभी कभी ब्लूटूथ, कभी कभी वाईफाई ऑन नहीं होता जब ऑन करते हैं तो। लेकिन मैं आपको कमाल का सेटिंग बताऊंगा, आप जा करके इसको ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन करने पे नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है जो ऑन ही नहीं होता है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस सेटिंग को ट्राई कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कभी कभी ब्लूटूथ या वाईफाई जब आप ऑन करते हैं तो नहीं ऑन होता है, तो इसमें देखिए आपको रीसेट करने का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे फ्लाइट मोड में ही छिपा हुआ है, आप फ्लाइट मोड के बटन को ऐसे दबा के रखिएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली सी क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ एंड नेटवर्क एंड ब्लूटूथ डाटा, इस पर आपको सिंपली सी क्लिक कर लेना। यहाँ से देखिए, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, अलग अलग कहीं वाईफाई में जाते हैं चाहे ब्लूटूथ में जाते हैं, अलग अलग डिवाइसेज पे हम क्या करते हैं कनेक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारे मोबाइल में वायरसेज वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैलवेयर वगैरह आ जाते हैं, स्पैम वगैरह आ जाते हैं। तो उससे क्या करते हैं, जब भी हम जा करके ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, आपको एक बार जा करके उसको रीसेट कर देना चाहिए। यानी आपके जो ब्लूटूथ वाईफाई और आपका ये मोबाइल डाटा है उसको एक बार आपको सिंपली सिर्फ रीसेट कर देंगे। जैसे आप रीसेट कर देंगे तो आपका जो ब्लूटूथ और वाईफाई का ओपन होने का जो प्रोसेस है, यानी मेरे में तो ओपन हो रहा है, मेरे में तो प्रॉपर चल रहा है, हो सकता है आपके में ये प्रॉब्लम्स हो, ऐसा प्रॉब्लम्स आता है, कभी कभी नहीं होता है, जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो ओपन ही नहीं होता ब्लूटूथ या वाईफाई। तो इस सेटिंग को आप ट्राई कर सकते हैं, इसको क्या करना, बस आपको रीसेट कर देना है। अगर ये सेटिंग आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे सेटिंग में जा करके आप सर्च भी कर सकते हैं, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ब्लूटूथ वाईफाई नेटवर्क डाटा रीसेट का ऑप्शन आ जाता है, बस इसको आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट बटन है, रीसेट बटन पे आपको क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगने के बाद जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपका सारा डाटा रीसेट हो जाएगा, और रीसेट हो जाएगा तो आपका वाईफाई और ब्लूटूथ और आपका नेटवर्क का जो भी इशू है सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इससे आप कर सकते हैं, मैं करूँगा तो अब नेटवर्क भी चला जाएगा मेरा तो मेरे मोबाइल में प्रॉपरली ये काम कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको जरूर एक बार अपने मोबाइल के ब्लूटूथ और वाईफाई डाटा को वाईफाई जो ऑप्शन है इसको एक बार रीसेट जरूर कर दीजिए। अगर रीसेट कर देंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है ये दूर हो जाएगी। चलिए मैं दूसरा आपको सेटिंग बताऊंगा, दूसरा भी सेटिंग बहुत कमाल का सेटिंग है। चलिए इस ट्रिक को जान लेते हैं। इस ट्रिक को देखिए, अप्लाई करने के लिए बहुत गजब का ट्रिक है। ये फ्लाइट मोड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, फ्लाइट मोड में क्या आप जाके इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले डायलर पैड यहां पे ओपन कर लीजिएगा। डायलर पैड पे आपको एक कोड डायल करना है, वो मैं आपको कोड बता दे रहा हूं, आपको यहां पे ऐसे डायल करना है, ठीक है। आपको ये कोड आपको डायल करना है, यहाँ पे आपको कोड ए टाइप करना है यहाँ पे, और टाइप करने के बाद लास्ट में मैं स्टार लगाऊंगा तो ये देखिए फंक्शन यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये फ्लाइट मोड का लाजवाब ट्रिक है, अगर फ्लाइट मोड में आप हैं तो इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जाकर के फ्लाइट मोड में भी आप इंटरनेट का मजा ले सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। मैं आपको ये सेटिंग अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, अपना मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया, ठीक है। मैं क्या किया, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया। फ्लाइट मोड में डालने के बाद ये आपको कोड अप्लाई करना है। कोड अप्लाई करने के बाद जो आपका सिम है, जो भी आपका दो यहाँ पे सिम दिखाएगा, यहाँ पे जिससे आपका डाटा चलता है उसी से मैं आपको डाटा चला कर दिखाऊंगा। ये सेटिंग आपको आप ट्राई कर सकते हैं, फ्लाइट मोड में भी आप डाटा चला सकते हैं, आप म्यूजिक चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप फ्लाइट मोड में करके मोबाइल को। उससे आपको डिस्टर्बेंस होता है, हो सकता है बार बार कोई कॉल कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप उससे परेशान डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहते तो इस सेटिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए तो कोई भी आपके पास कॉल वगैरह
नहीं आएगा। आप उस टाइम आप अपने YouTube का मजा लीजिए, Facebook का मजा लीजिए, हर चीज़ आप सर्च करके देखिए, नेट पे कुछ भी सर्च करिए, कुछ कोई भी इंजॉय करिए। तो इस सेटिंग को आप अप्लाई करेंगे, जिस सिम से आप नेट चलाते हैं बस उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल रेडियो पावर, इसको क्या करना है आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। बस आपको ये सेटिंग अप्लाई करना है, जैसे ये सेटिंग अप्लाई करेंगे आपके मोबाइल में हो सकता है जल्दी ना ऑन हो, तो बस आपको दो तीन बार इसको प्रेस कर देना, जब प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको क्या करना है यहाँ से आपको ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद यहाँ से बैक कर लेना है, यहाँ से सिंपली सी मैं बैक कर लेना, बैक कर लिया। यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल फ्लाइट है, फ्लाइट मोड में ऑन है, यहाँ पे देखिए नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है, मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में है। अब मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब चला कर दिखा रहा हूँ, आपको गूगल क्रोम में कुछ भी सर्च करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नेट चल रहा है, मैं आपको यहाँ पे गूगल क्रोम खोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप कुछ भी सर्च करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे आसानी से जा करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। देखिए आप गूगल क्रोम चाहे कोई भी चीज़ आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपका नेट चलेगा, और मेरा देखिए यहाँ पे फ्लाइट मोड ऑन है, यहाँ पे आप फ्लाइट मोड में करके आप नेट का मजा ले सकते हैं, आप नेट में कुछ भी चला सकते हैं। अगर आपको कुछ भी खोलना है यहाँ पे यूट्यूब खोल करके आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब भी खोल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाते हैं, आप यूट्यूब भी चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, यहाँ से आप यूट्यूब का भी मजा ले सकते हैं, यानी आपका फ़ोन फ्लाइट मोड में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइट मोड में है। तो फ्लाइट मोड में आप ये चीज़ यूज कर सकते हैं, इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ये कोड आपको नहीं मिलेगा अगर आपके मोबाइल में, देखिए अलग अलग मोबाइल में हो सकता है अलग अलग हो, तो अगर आपके कोड आपके मोबाइल में ये कोड नहीं मिलेगा तो इस कोड को कैसे आप सर्च करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करिएगा जो भी आपका मोबाइल होगा, जो भी आपका मोबाइल का ब्रांड होगा उसको आप सर्च करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा लोप बैकअप टेस्ट, इसको आपको क्लिक करना। जैसे मेरा फ़ोन है Redmi Note 8 Pro लोप बैकअप टेस्ट पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे स्क्रॉल करके आपको दूसरे नंबर का सेटिंग है, इसको आपको यहाँ पे दूसरे नंबर की वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको वो सारे आपको कोड मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे आपको कोड मिल जाएंगे, तो इस कोड से जा करके आप पता कर सकते हैं। आप हो सकता है ये जो मैं कोड डायल कर रहा हूँ आपके मोबाइल में ना काम करें, तो इसलिए मैं अलग अलग मोबाइल में अलग अलग कोड होते हैं इसको ओपन करने के लिए, ये जो फ्लाइट मोड में आप इंटरनेट को ऑन करने के लिए जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस सेटिंग को आप ट्राई कर सकते हैं। ये कमाल का सेटिंग है जो दो नंबर का सेटिंग था। चलिए तीसरा सेटिंग जान लेते हैं, ये भी कमाल का सेटिंग है, ये आपको अगर जानना चाहिए आपको यूज करना चाहिए। देखिए कभी कभी होता है हम व्हाट्सअप करते हैं और बार बार किसी का मैसेज आता है, आप इस चीज को नोटिस करिएगा, बार बार कोई भी बंदा आपके पास फोन कर रहा है, आपके पास बार बार मैसेज आ रहा है, आपके पास मैसेज आता है, तो आप ये चाहते हैं कि आप जो तीसरा सेटिंग है ये भी कमाल का सेटिंग है, ऐसा आप यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, चाहे कहीं पे व्हाट्सएप पे आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सपोज दैट आपने व्हाट्सएप खोला हुआ है और आप बार बार कोई मैसेज कर रहा है, आप उसको रीड करके दूसरे बंदे को नहीं जानना चाहते हैं कि हाँ मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे जा करके आपको सिंपली सी क्या करना है, यहाँ पे फ्लाइट मोड में इसको कर लेना है, यहाँ से फ्लाइट मोड ऑन करना है, जो भी मैसेज आएगा उसको क्लिक करके आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद बैक कर लीजिए, फिर वहाँ से फ्लाइट मोड ऑन कर लीजिए। ये आप सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, इससे दूसरे बंदे को जो मैसेज भेज रहा है उसको ये पता चलेगा कि हाँ बंदा नहीं पढ़ा, बट आप यहाँ पे फ्लाइट मोड में डाल करके कोई भी व्हाट्सअप का मैसेज पढ़ सकते हैं और दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलेगा। तो ये सेटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो, दो तीसरे नंबर का सेटिंग है ये कमाल का। मैंने आपको तीन सेटिंग हिडन सीक्रेट ट्रिक्स बताया था, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।